बाद अपने रूम को ठीक करने की काम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, किचन के काम कंप्लीट करने के बाद मैं फटाफट से नाश्ता वास्ता ख़त्म हो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नीतु जीतू ऑफिशियल के आज के ब्लॉग में। सो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे अपने घर में, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, मेरा लुक देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, मैं साड़ी में आ गई हूँ। और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं मायके से ससुराल आई हूँ, बहुत दिन बाद, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ के बाद ही आई हूँ, 3 मंथ के बाद ही आई हूँ। सो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया, और फाइनली मैं अगेन से आ गई हूँ ससुराल। और अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मायके और मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत उनकी याद आ रही है। आना तो है ही, तो आ भी गए और काफ़ी इंजॉय भी किया, बहुत मज़ा आया। सिस्टर की सगाई थी, घर पर पूजा थी, और बीच में भी बहुत मार्केट जाना, इधर जाना, उधर जाना, घूमना, बहुत इंजॉय किया। सॉरी कि मैं हर चीज़ का ब्लॉग आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल था, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरे लाइफ में क्या होती है, मैं क्या करती हूँ, अपना पूरा टाइम आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ब्लॉग डाल पाऊँ। ये मेरी 100% कोशिश जारी रहेगी, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा हो और मेरा ब्लॉग मिस ना हो। काफ़ी दिन बाद मैं फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ, कितने ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद मैं ब्लॉग डालना शुरू की हूँ। थोड़ा बिजी थी और थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही थी, बट कोशिश अब यही रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा मिल सकूँ, बातें कर सकूँ, और आप लोगों के साथ जुड़ सकूँ, और आपको अपने फैमिली मेम्बर बना सकूँ। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए क्योंकि ससुराल आने के बाद जब मैंने अपना रूम देखा, तो रूम की तो पूरी बैंड बजी हुई थी, सारे कपड़े इधर के उधर पड़े थे, मेकअप के मेरे सारे सामान इधर, अलमारी सारे बिखरे पड़े थे, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि रूम की शुरुआत मैं कहाँ से करूँ, कैसे इसकी सफाई करूँ, और सारी चीज़ों को अपने रूम पर मैं कब रखूँ, कैसे रखूँ, क्योंकि पतिदेव सारी चीज़ों को बिखेर के रखे थे, रूम का कोई ठीक ठिकाना नहीं करे, मतलब क्या बताऊँ, सारे चीज़ जैसे के तैसे पड़े हुए थे। फिर मैंने सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, जो जहाँ था वहाँ स्टार्ट की रखना शुरू किया था, कि हाँ बाद में मुझे मिल सके, ढूँढ कुछ रही हूँ, मिल कुछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करूँ। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आने के बाद मेरे रूम का हालत क्या था। और पतिदेव पर तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। मैंने उनको बोला तो वो बोल रहे हैं मैं क्या करता, कैसे करता, मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं इधर का उधर कर देता था, लेट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो चलता है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ मेरे रूम का हालत, और सुबह से लेकर के शाम तक का मैंने क्या क्या किया और कैसे सब चीज़ों को सेट किया। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम की हालत, जो कि आने के बाद मैंने जब देखा तो मेरे तो दिमाग ही ख़राब थे। ये देखिए कपड़े जो कि जैसे तैसे लटक रहे हैं, पता नहीं कब से ऐसे पड़े हुए हैं, ये सारे चीज़ें ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, ये फ़ोटो वगैरह सारे गिरे पड़े हैं, जिसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, बेड पर टावल पड़ा है, ये सारे चीज़ें बिखरे पड़े हैं, ये सारी चीज़ें जैसे कि तैसे बिखरी पड़ी हैं, ये देखिए सारी चीज़ें, इनका काम ही यही था, कोई भी चीज़ सही से ढंग से नहीं था। अब इन सारी चीज़ों को मैं ठीक करने वाली हूँ फटाफट से, क्योंकि रूम की हालत बहुत ख़राब है, अलमारी की तो बैंड बजी हुई है, क्या बताऊँ। सो फटाफट से मैं ठीक कर लेती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि देख के लग रहा है घर में काम बहुत सारे हैं, तो मैं फटाफट से इन सब काम को निपटाऊँगी। वेदर भी कुछ काफ़ी ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि वेदर बहुत ही ख़राब है, ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश हो सकता है। सो
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे काम को मुझे और जल्दी ही निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बारिश होंगे तो फिर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता, क्योंकि बारिश में किचकिच किचकिच होता है और मेरा रूम ऊपर है तो ज़्यादातर रूम में बारिश के पानी आने लगते हैं, तो मुझे रूम बंद करके रखने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि फटाफट से निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर बारिश आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत होंगी। गाइस, सुबह सुबह मैं तो जल्दी ही उठ गई थी, 5 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि रूम की हालत बहुत ख़राब था तो मुझे नींद भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं, बहुत सारा काम है जिसको निपटाना है। सो फटाफट से मैं सुबह उठी, नहाने वहाने के बाद मैं किचन में गई, थोड़ा काम वाम कंप्लीट किया, नाश्ते वास्ते की तैयारी की, और इसके बाद फिर से मैं ऊपर आई। आने के बाद इसके बाद मैंने सारे कपड़े भिगोए, कपड़े भिगोने के बाद फटाफट से मैंने सारे कपड़े को धुलना स्टार्ट किया, कपड़ा धुला। धुलने के बाद इसके बाद मैं कपड़े सुखाने गई, कपड़ा सुखाया। कपड़ा सुखाने के बाद तब तक नाश्ते का टाइम हो चुका था और पतिदेव को भी उठाना था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले फटाफट से कपड़े सुखो तो दिए हैं, इसके बाद पतिदेव को उठाते हैं, काम ख़त्म करते हैं, और इसके बाद नाश्ते वास्ते कंप्लीट होने के बाद, किचन का काम ख़त्म होने के बाद अपने रूम को ठीक करने की काम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, किचन के काम कंप्लीट करने के बाद मैं फटाफट से नाश्ता वास्ता ख़त्म हो गया, और मैंने नाश्ता थोड़ा लेट ही किया था, तो मैं फटाफट से रूम में आई, और रूम में आने के बाद मैंने रूम को ठीक करना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने फटाफट से बेडशीट चेंज की, क्योंकि बेडशीट की हालत बहुत ख़राब लग रही थी और ठीक से बेडशीट सेट भी नहीं था, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले फटाफट से बेडशीट चेंज किया जाए। तो इसके बाद मैं उसको चेंज करने में लग गई। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि काम ख़त्म करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अब थोड़ा रेस्ट ले लूँ, थोड़ा सो लूँ, तो मैं सोने के लिए जा रही हूँ, और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे। आपको हमारा व्लॉग कैसा लग रहा है, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।